हेलो बच्चों, तो इस वाले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे, देखो केमिकल प्रॉपर्टी जो बच रही है नाइट्रोबेंजीन की या नाइट्रो वाले कंपाउंड्स की, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी बची है वो आज अपन इस वाले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके जो अगला लेक्चर आएगा उसके लिए मैं आपको बता दूँ, जो आपका अगला लेक्चर आएगा वो आएगा आपके क्वेश्चंस का, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला लेक्चर आज खत्म हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज इस वाले लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा दी एंड कर देंगे, ठीक है। धन्य हो, चलो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। पीछा छूटा ऑर्गेनिक से, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर तो मैं खत्म कर दूंगा, इसके बाद में इसके मैं क्वेश्चन अगले चैप्टर अगली क्लास के अंदर आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के बाद में अपन क्या करेंगे, जो आपके आगे वाले जो मतलब मेरे को कई बच्चे बोल रहे हैं सर कन्वर्जन, तो मैं देखो पहले कन्वर्जन कराऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर तो आप कर ही लोगे बुक के, क्योंकि हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो मेरे को भेज देना, ठीक है। जिनके डाउट है पर्सनली नंबर दे रखे हैं आप ले सकते हो, मेरे को कांटेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे भेज देना, जहाँ भी आपकी मर्जी हो वहाँ भेज देना, ठीक है। दूसरी चीज़ कन्वर्जन, तो कन्वर्जन के दो लेक्चर आएंगे, एक लेक्चर तो किस किस तरीके से करना है कन्वर्जन, दूसरा कन्वर्जन वो आएगा जिसके अंदर अपन कन्वर्जन कर मतलब दोनों ही लेक्चर में अपन कन्वर्जन करेंगे, और उसके बाद में फिर आपका जो ऐसे करते करते अपने को 11 जुलाई या 12 जुलाई के आसपास हो जाएगा। फिर 13 जुलाई से अपन अपनी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना किससे, 13 जुलाई से करेंगे, शाम को 7:15 बजे 13 जुलाई से करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने पूरा शेड्यूल कर लिया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपको पूरा आगे का शेड्यूल बता रहा हूँ किस तरीके से काम करना है अपने को, समझ गए मेरी बात। तो चलो अब अपन आगे की बात स्टार्ट करते हैं। 13 जुलाई से ध्यान रखना लाइव क्लास है, शेयर कर दो, जितने भी हैं बच्चे उनको बोल दो कि भाई पढ़ लो, अब तो चालू करो, अब तो तुमको ये भी नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा है, तो करते रहो। साथ ही साथ आपको मैं बताऊँ, चार चैप्टर आपके ऑर्गेनिक है, लगभग लगभग 18 से 20 नंबर का कंटेंट आपको मैं दे दिया, ठीक है ना, 56 में से, ये ध्यान रखना आपके ऑर्गेनिक का बता रहा हूँ मैं। तो तैयार कर लो, जितना जल्दी हो सके तैयार करो। कन्वर्जन आपके तभी होंगे जब आपको चैप्टर्स की लगभग लगभग मतलब जितनी पीछे रिएक्शन कराई उनकी 80% रिएक्शन तो याद हो, ठीक है। या ऐसे रिएक्शन ध्यान रखना जहाँ मैंने बोला था इसको स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कार्बन डबल करने का रिएक्शन है, ये कार्बन हाफ करने का रिएक्शन है, तो इस टाइप की रिएक्शन आप याद करना। और नेमिंग रिएक्शन तो एक भी मत छोड़ना, सारी कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, नेमिंग रिएक्शन बहुत काम की आती है, ठीक है। तो चलो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का सबसे पहले आपको रेजोनेंस, क्योंकि मैं रेजोनेंस आपको पिछले लेक्चर में ही बोला था रेजोनेंस काम आएगा, फिर यहाँ रेजोनेंस आएगा। तो देखो रेजोनेंस बनाते हैं इसका, नाइट्रोबेंजीन देखो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है ना। देखो ये बना कैसे होगा, ऐसे समझ सकते हो तुम, समझने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड होगा, फिर नाइट्रोजन के पास में आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें और एक इसमें, और सोचो एक बॉन्ड यहाँ होता तो एक उसमें होता, उस बॉन्ड को मैंने यहाँ घुमा दिया तो किस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली। अब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। नाइट्रोजन कभी नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर कौन सा चार्ज रहे, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थर्ड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्रेडिक्टेबल का हाईएस्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सुनना, ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा, जब ये इधर घूमेगा तो ये घूम के इधर घूम जाएगा, मतलब चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। जब चार्ज डिस्पर्स होगा तो देखो अगली रिएक्शन ये बनेगी, मतलब फैल जाएगा चार्ज, देखो इसकी अगली स्ट्रक्चर ये बनेगी। देखो ये तो हो जाएगा आपके पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव, बोलो आती बात समझ में, ठीक है ना। और ये आपके ये वाला बॉन्ड अपनी जगह ही अपनी जगह बोलो कर लोगे, फिर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर घूम जाएगा, जब ये बॉन्ड इधर घूमेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सुनो ये बन जाएगा आपके, ठीक है, ये जैसे इधर जाएगा तो इस पर तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव तो यहाँ गए क्योंकि ये तो घूम गया, और ये क्या बन गया, पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, बोलो आती है बात समझ में, अपना ये बन गया। देख लो ये रेजोनेंस आनी चाहिए आपको बनाने, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक या दो नंबर का ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही पूछता है, और इसकी जो आगे वाली केमिकल रिएक्शंस आएगी वो भी इसी से रिलेटेड आएगी, ठीक है। इसलिए मैं रेजोनेंस आपको पहले करा रहा हूँ ताकि आना चाहिए, ठीक। फिर अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में ये होगा कि ये वाला तो इधर, तो ये पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा, तो देखो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखो ये बॉन्ड तो इधर, ये वाला इधर, और ये क्या आ गया पॉजिटिव, और ये आपके नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव, बोलो आती है बात समझ में, कर लोगे।
फिर उसके बाद सुनो अगले वाले में क्या होगा, स्टेप में अगले स्टेप में ये होगा कि ये वाला तो इधर, ठीक है, ये वाला इधर और ये वाला काम हो जाएगा इधर। समझ गए मेरी बात? तो देखो अगले में क्या होता है, अगले में ये बन जाएगा ठीक, ये अपनी जगह नहीं, ये वाला अपनी जगह आ जाएगा और ये वाला जो है ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा ठीक। नाइट्रोजन ये आपके देखो ये इधर, ये नेगेटिव था तो ये इधर और ये आपके ऑक्सीजन का नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस तरीके से देखो ये क्या बन गया आपके नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, बात आ गई समझ में? तो ये आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाना। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, आप एक चीज़ ही जानते हो कि बेंजीन रिएक्शन कौन सी देता है, बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि अपनी जानकारी में अपन यही जानते हैं जितना पीछे ऑर्गेनिक का पार्ट पड़ा है उसमें अपन, मैंने आपको यही बताया है कि बेंजीन जो है वो पीछे मतलब बेंजीन रिंग आपको कहीं भी दिखेगी तो वो कौन सी रिएक्शन करती है, मतलब एक तरीके से मैं रेजोनेंस ही पढ़ा रहा हूँ आपको आज वाले लेक्चर में, ठीक है ना, जो मैं बोलता हूँ पीछे से पढ़ लो वो आज यही बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या उसमें वो पता लग जाएगा यहाँ पे। तो नाइट्रो ग्रुप समझ में ही आ रहा है कि ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, मतलब यहाँ दो टाइप के इफेक्ट लग रहे हैं, एक तो इफेक्ट ये लग रहा है कि यहाँ एक तो कार्बन है और यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन भी खींचता है और दूसरा रेजोनेंस एक तो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट भी खींचता है, भाई नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका मतलब एक तो माइनस आई काम कर रहा है, एक तो माइनस आई काम कर रहा है और NO2 ग्रुप ऐसा है जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जब खींच रहा है रेजोनेंस में तो उसको फिर बोलेंगे अपन उस पे को, वो कौन सा ग्रुप है अपने पास में, माइनस एम, ठीक है माइनस। अब एक चीज ये सोचो ये माइनस आई है ये माइनस एम है, तो जब दोनों एक साथ काम कर रहे हो माइनस आई और माइनस एम तो ध्यान रखना डोमिनेटली हो रहा है, मतलब जब तुम्हारा रेजोनेंस भी काम कर रहा हो और इंडक्टिव भी काम कर रहा हो तो फिर रेजोनेंस ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ध्यान रखना मेरी बात, रख लोगे याद हो जाएगा। देखो इसकी तो बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन वगैरह ये सब की एक कहानी है, वो मैंने आपको पीछे पढ़ा रखी है रेजोनेंस में, ठीक है, तो वहाँ का एक छोटा सा पार्ट यहाँ बता रहा हूँ। अब हम ये जानते हैं कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक वो स्पीशीज जिस पे प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफिलिक ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस ये ऐसी स्पीशीज है इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, ये चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए, इसका मतलब ये लुईस एसिड है, बोलो समझ रहे हो, तो ये कहाँ जाएगा कि तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे जा सकता है या फिर इसके पैरा पोजीशन पे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग के अंदर जब भी ध्यान रखना कि कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होता है तो उसके ऑर्थो और पैरा पे जाता है, बोलो बोला था यदि कोई सब, लेकिन आप तो एक चीज़ ये सिंपल सी एक चीज़ सोचो, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल अब इसके ऑर्थो पैरा पे जाएगा क्या, तो ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि सुनो ये इसकी 1-2 पोजीशन है और ये इसकी 1-4 पोजीशन है, तो 1-2 पोजीशन और 1-4 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है, मतलब इसके ऑर्थो पोजीशन मतलब माइनस एम ग्रुप जब भी होता है, ये NO2 माइनस एम ग्रुप है तो माइनस एम ग्रुप जब भी होता है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो आपको मैं बताऊं ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रोफाइल तो वो स्पीशीज है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इस नहीं इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो ये तो यहाँ जाना चाहेगा ऑर्थो पैरा पे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुका है, तो अब ये इसके ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पहले ही इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये ऑर्थो पैरा पे क्यों जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर अब एक ही पोजीशन बची, वो बची मेटा। तो ध्यान रखना कि जो माइनस एम ग्रुप होता है, माइनस एम ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ध्यान रखना मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि वो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो उसके मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, बात आ गई ना समझ में, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, तो सुन लो एक बार कि जो आने वाला ग्रुप है वो मेटा पे इसलिए जाएगा क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई नहीं है, ऑर्थो पैरा तो बहुत ही कम हो गई, प्लस चार्ज आ गया, आप क्या लोगे, या सीधा सीधा सोच लो प्लस प्लस के पास तो कभी जाता ही नहीं है, रिपल्शन मारता है, यूँ सोच लो, तो एक बात ये समझ में आती है कि ऑर्थो और पैरा मतलब मेटा पोजीशन खाली है तो ये मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा, बोलो आ गई बात समझ में, एक समझ गए ना, इसका मतलब ये रिंग को डीएक्टिवेटर कर रहा है, मतलब माइनस एम ग्रुप जो होता है ना वो रिंग डीएक्टिवेटर की तरह काम करता है, रिंग को बंद कर देता है रिएक्शन करने से,
बात आ रही है समझ में? मेटा डायर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसका मतलब रिंग रिंग जो है वो क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई। मतलब रिंग जो है वो निष्क्रियकारी हो गई है, निष्क्रिय मतलब वो अब वो इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ना नहीं चाहती, सिर्फ उसके पास एक ही पोजीशन है, जुड़ना है तो मेटा पे जाओ, जुड़ जाओ, और अदरवाइज आप जुड़ नहीं पाओगे, ठीक है। अब इसके कुछ रिएक्शंस लेते हैं। तो देखो ऐसा रिएक्शन सोचो जिसमें इलेक्ट्रोफाइल बना था, तो अपन एक पीछे नाइट्रेशन पढ़ा था, ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन का ही अपन क्या करा लेते हैं, नाइट्रेशन करा लेते हैं। तो देखो कैसे कराते हैं, तो सुनना, जब आप ये लेते हो देखो NO, तो आपको पता है NO2 ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऑर्थो पैरा पे तो कौन सा चार्ज आएगा, देखो प्लस प्लस। अब अपन इसका में नाइट्रेशन करा रहा हूं, तो नाइट्रेशन ही होता है, देखो नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन के अंदर करते क्या है सुनना, एक अपन लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4 और एक लेते हैं अपन कंसंट्रेट HNO3। जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराते हो तो आपको जानकारी के लिए बताऊं, इन दोनों से बनता है एक इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल बनता है यहाँ से NO2+। ये तो कोई मैं पांचवी छठी बार बता रहा हूँ जब से मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है, देख लो, है ना। तो ये ऑर्थो पे भी नहीं जाएगा, ये पैरा पे भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ऐसा है ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज ला दिया, प्लस, मतलब यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस होगा जब ये रेजोनेंस करेगा, तो ये अब ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा, ये किस पे जाएगा, मेटा पे। तो मेटा पे जाएगा तो देखो प्रोडक्ट ये बनेगा, बोलो बात आती है समझ में, तो ये बन जाएगा NO2+ आपके ये ऑर्थो है, तो ये बन जाएगा आपके N। तो ये ध्यान रखना, ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनाता है, आ गई बात समझ में, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनाएगा, ध्यान दो, सुन लो, 1 2 3 1 3 पोजीशन है, तो 1 3 को बोलते हैं मेटा, समझ गए मेरी बात, तो ये ध्यान रखना, आपको याद रखनी है, रख लोगे मेरी बात याद, हो जाएगा। इन दोनों से नाइट्रो बनता है, याद रख लेना। और बताऊँ आपको, देखो और, देखो और क्या होता है कि जब आप इसकी रिएक्शन FeCl3 और Cl2 के साथ कराते हो, FeCl3 और Cl2 के साथ कराते हो, तो होता क्या है, ये बन जाता है आपका, इससे भी ध्यान रखना क्या बनता है, ये बनता है आपका FeCl4-। देखो FeCl3 और Cl2 काम, क्योंकि FeCl3 लुईस एसिड की तरह काम करता है, तो ये इसका क्लोरीन माइनस ले लेता है, तो ये बनाएगा FeCl4, जैसे फ्रिडल क्राफ्ट में करते थे, सेम वही प्रोसीजर यहाँ है, प्लस आपका क्या बनेगा, Cl+। तो जो Cl+ बन रहा है वो इसके ऑर्थो पे भी जा सकता था और पैरा पे भी, लेकिन ऑलरेडी क्या है, यहाँ माइनस एम ग्रुप लगने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो ये अब यहाँ जाके नहीं जुड़ेगा, तो क्लोरीन जो प्लस चार्ज है वो इसके कहाँ जाएगा, इसके मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पे जाएगा इस तरीके से, सुनना, प्लस आपका क्या बन जाएगा, तो बात ये समझ में आ रही है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ तो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, लेकिन सुनना मेरी बात, मेटा पे हो रहा है, ऑर्थो पैरा पे नहीं हो रहा है, और साथ में क्या निकल जाएगा आपके, Cl आएगा, क्योंकि ये Cl जब जुड़ा होगा तो एक H यहाँ से निकला भी होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो एक Cl+ जाके जुड़ रहा है, तो एक H+ निकलेगा, इसलिए तो बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा दूसरे को निकालेगा, तो यहाँ से H+ भी निकलेगा, जब H+ निकलेगा तो H+ और Cl- से फिर जुड़ जाएगा, समझ में आ गई बात, मतलब ये तो Cl देखो यहाँ जुड़ गया, लेकिन ये जो H+ था ये इसके Cl- से जुड़ेगा, तो ये HCl बना डालेगा, प्लस FeCl3, तो ये जो FeCl3 है वो दोबारा उससे जाके वापस रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, समझ में आ गई मेरी बात, तो ये हो जाएगा आपसे, रख लोगे बात याद, हाँ हो जाएगा, ठीक है आगे चलो। एक रिएक्शन और करेंगे अपन सल्फोनिक एसिड के साथ, तो सुनो H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, कंसंट्रेट के साथ, जब आप कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको पता है यहाँ से बनता है SO3H+ इलेक्ट्रोफाइल, ये सल्फोनेशन है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, याद है सल्फोनेशन है, मैं आपको ये पहले पढ़ा चुका हूँ, याद है, ठीक है मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका NO2+SO3H, ठीक है, जो यहाँ से SO3H, तो ध्यान रखना इसका आपको, अब मैं अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसका IUPAC नाम आपको बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका IUPAC नाम बताओगे क्या बनता है, ठीक है,
तो ये मैंने आपको कौन सी रिएक्शन कराई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्ट देता है। कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो किस तरीके से है ना, एक एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, लास्ट रिएक्शन है, फिर आपका मामला खत्म, ठीक है। या क्या देखो, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक तो खत्म हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक का मामला खत्म, अब न्यूक्लियोफिलिक चालू करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन से स्टार्ट करनी है, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती है जिसके ऊपर माइनस चार्ज, समझ में आती है बात भाई। न्यूक्लियोफाइल ये स्पीशीज होती है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, माइनस। तो सुनना, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूं, KOH के साथ। बोलो आती है बात समझ में। तो होगा क्या, जो इसका है ये, इसको हीट देना पड़ेगा थोड़ा सा। जब हीट दोगे तो ये के प्लस और ये माइनस। अब आप खुद दिमाग लगा लो, समझ में आती होगी अब आपको बात। ये माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहां से निकालेगा। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके जुड़ेगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तुम, तो ये मान लो। जब आप एक बेस की प्रेजेंस, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया मैंने, इस न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन कराओगे तो पता है NO2 जब खींचता है तो अपने ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज आ रहा है, और ये ऑलरेडी आपको सा है माइनस। तो पहले तो इलेक्ट्रोफाइल था, तो इलेक्ट्रोफाइल था तो वो जाके जुड़नी, वो तो मेटा पे जुड़ता था कि ऑर्थो पैरा पे ऑलरेडी प्लस आ रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार ये OH- है, तो ये OH- जो है वो अब इसके कहाँ जाके जुड़ेगा, इसके ऑर्थो पे और पैरा पे। तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, सुनो किस किस तरीके से। एक तो ये बनेगा आपका, ठीक है, ये NO2 और ये OH, तो इसको तो बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो या फिर शॉर्ट में बोलो तो ऐसे बोलो ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, समझ गए बात, क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। या फिर दूसरा जो बनता है प्रोडक्ट वो ये बनेगा NO2 और ये OH, ये बन गया आपके पैरा नाइट्रो फिनोल, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रो फिनोल और पैरा नाइट्रो फिनोल, समझ गए मेरी बात। तो आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक। तो ये आपके ऑर्थो नाइट्रो फिनोल था और एक क्या था आपके पैरा नाइट्रो फिनोल। रख लोगे मेरी बात, समझ में आती होगी। तो देखो इस तरीके से आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं मिक्सचर के अंदर, इन दोनों में से ध्यान रखना। मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछता है तो मेजर ये वाला होता है, ऑर्थो वाला, और तो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये चीज़ें क्या है आपको समझ में आनी चाहिए, ये ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार पूछता है बीपी किसका ज़्यादा है, तो बीपी ध्यान रखना है इसका ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। इसके अंदर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि इसके अंदर इंटर मोलिकुलर, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ वो फिनॉल के अंदर, ठीक है। तो देख लो अब चीज़ें यहाँ इस लेक्चर के अंदर वही घूम फिर के आ रही है जो अपन पीछे पढ़े थे, ठीक है। इसलिए बोल रहा था पढ़ाई करते रहो वहाँ पे, जो कि आगे काम आएगी, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि इस लेक्चर में पढ़ा हुआ आगे काम नहीं आएगा, बिल्कुल वो काम आएगा। चीज़ें यहाँ कनेक्टेड है ऑर्गेनिक के अंदर, और मैंने जो सीक्वेंस कराया है ना वो सीक्वेंस स्टैंडर्ड है। पहले हेलोएल्केन पढ़ाते हैं, फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाते हैं, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाते हैं, और लास्ट में एमीन पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से लगभग लगभग आप जब आते हो ना तो आपको पता लगेगा कि अपन ने 11th क्लास में जो ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी वो आज, ये मतलब यहाँ पे यूट्यूब, मेरे वाले यूट्यूब चैनल पे वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊँ आपकी जानकारी के लिए, तो आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो जो 11th में ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी ना वो ऑर्गेनिक आज ख़त्म हो गई, एमीन मैंने आपको ख़त्म कर दिया, रख लोगे मेरी बात याद समझ में। एमीन ख़त्म कर लिया अपन ने, हेलोएल्केन एल्कोहल फिनोल ईथर सब ख़त्म कर लिया, ठीक है ना। अब इस वाले लेक्चर को आज अपन यहीं रोकेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं तो ऑर्गेनिक ख़त्म हो गया है, जितना हो सके जल्दी इसे ख़त्म करो। अब अपनी ऑर्गेनिक मैंने करा दी, अब आपकी बारी ये करने की, ठीक है। ईमानदारी से पेन कॉपी लेके बैठ के सॉल्व करो सबको, सारे क्वेश्चन आंसर निकाल लो, बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर निकाला करो, ठीक है, जितना हो सके निकालो। अब आपके पास टाइम कम है, मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान रखना सिलेबस बहुत बड़ा है, वो तो मैं शुरुआत से स्टार्ट कर दिया इसलिए आपको लग रहा है कि हम अभी आगे हैं, चार चैप्टर हो गए, अभी तो जुलाई आए हैं। तुम ये सोचो मैंने कब से मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है ना।
तो जो मेहनत है उसका फल दो मुझे, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहो, जितने भी है लोगों को शेयर करो, जगाओ कि भैया जगो, अब तो जग जाओ, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, पढ़ना स्टार्ट कर दो, जुलाई आ गया, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में इतना करेंगे, आपको अमीन मैंने ख़त्म कर दिया है, इसके जो डाउट हो वो मेरे को भेज देना, किसी को दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखो कोई भी दिक्कत हो एक्स वाई जेड, वीडियो के अंदर प्रॉब्लम आ रही है दिखने में, वॉइस में दिक्कत आ रही है, देखो वॉइस का तो ये है कि घर क्या है थोड़ा पास में रह गया रोड के, तो वो क्या है रोड पे जब व्हीकल चलते हैं ना तो आवाज़ आती है, कभी ट्रैक्टर गुजरता है, कभी क्या गुजरता है, कभी क्या गुजरता है, तो उनको तो रोक नहीं सकते, ठीक है। कितने ही खिड़की दरवाजे बंद कर लो वो आवाज़ तो आएगी, ठीक है ना, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब बाकी और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में इतना करेंगे, कोई भी दिक्कत हो एक्स वाई जेड मुझे लिख दिया करो कमेंट में, ठीक है ना, ऐसे लेके मत बैठे रहा करो। कई लोग हैं जो क्या करते हैं कि हमारा डाउट हो गया, सर को भेजूं कि नहीं भेजूं, भेजूं कि नहीं भेजूं, फिर उस चक्कर में क्या होता है वो छोड़ देता है उसको, फिर अगले लेक्चर में पहुंचता है, अगले लेक्चर में फिर एक डाउट आ जाता है तो फिर सोचता है भेजूं कि नहीं भेजूं, उस चक्कर में भेजते भेजते नहीं भेजने के चक्कर में एक थैला भर जाता है पूरा डाउट का, ठीक है। तो फिर वो डाउट का थैला भर जाता है तो सोचता है यार ऑर्गेनिक तो आई नहीं रही समझ में, इसको छोड़ दो, तो वो चीज़ गलत है, ध्यान रखना। उसको सॉर्ट आउट करो, जितना जल्दी सॉर्ट आउट करोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे, ध्यान रखना, पीछे के चक्कर में मत रहो। आपको मैं बता दूं, जो याद नहीं भी हो रहा ना उसको छोड़ दो एक बार, उसको आगे करेंगे यूँ मान लो, लेकिन जो हो रहा है उसको तो करो कम से कम, कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो छोड़ो, उसके पीछे मत पड़ो, आगे बढ़ते चलो। पता लगेगा एक टाइम कि जब वो अपना टाइम कहीं बचेगा तो फिर मैं उसको करा दूंगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लिख देना नीचे, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में इतना करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहो, ठीक है ना।